सरिला ओडिया संस्कृतिर महाकुंभ ओडिशा पर्व। राजधानी दिल्ली में महकिला ओडिया गर्व एवं गौरवर कंध। उद्यापनी समारोह में जोगदेले प्रधानमंत्री मोदी। राज्य ऐतिह साहित्य एवं परंपरार देखिले छवि। भक्त सालबेग जगन्नाथ दासंकर कले स्मृतिचारण। जय जगन्नाथ कही आरंभ कले अभिभाषण। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओडिया संस्कृतिर महाकुंभ ओडिशा पर्व 2024 दीर्घ तीन दिन धरी राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रे अनुष्ठित होइतला बेले आज यार उद्यापन होइछि। उद्यापनी उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जोग दे ओडिया माटीर महक को बेस पाखरु देखिथिले। पर्व में प्रदर्शित विभिन्न स्टॉल बुली देखिबा सह चा पीथिले मोदी। राज्य ऐतिह साहित्य एवं परंपरार भूरी भूरी प्रशंसा करिछन्ति प्रधानमंत्री। संतकवि भीम भोई को मन पकाइबा सह भक्त सालबेग जगन्नाथ दास आदि स्मृतिचारण मध्य करिछन्ति मोदी। ओडिया रे निज अभिभाषण आरंभ करिबा सह एही पर्व रे शामिल होई खुशी थिबा कहिछन्ति मोदी। ओडिशा के संत कवि भीम भोई ने कहा था, मो जीवन पछे नर के पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। भाव ये कि मुझे चाहे जितने ही दुख क्यों न उठाने पड़े, लेकिन जगत का उद्धार हो, यही उड़ीसा की संस्कृति भी है। उड़ीसा सबु जुगरे समग्र राष्ट्र एवं पूरा मानव समाज सेवा करी छी। ओडिशा रे जन्मग्रहण करिथिबा महापुरुषक विषय रे अधिक प्रचार प्रसार करिवार आवश्यकता रहिछि बोली कहिछन्ति मोदी। ओडिशा रो नौवाणिज्यर समृद्ध इतिहास एवं पाइक विद्रोह कथा मध्ये मने पकाइछन्ति। सबुबेले मानव समाज रो सेवा करि आसिछि ओडिशा। ओडिया झी द्रौपदी मुर्मु देशर राष्ट्रपति हेबा गर्वर विषय। तेणु ओडिशा रो महिला माने आगुकु बढ़िले ओडिशा आगुकु बढ़िबो बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। सेपटे ओडिशा रो सामर्थ्य को उपयोग करि एहाकु विकासर शिखर रे पहुंचा जाई पारे बोली कहिछन्ति मोदी। ओडिशा के वीर संतानों ने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर देश को दिशा दिखाई थी। पाइका क्रांति के शहीदों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि उसे पाइका क्रांति पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने का अवसर मिला था। प्रधानमंत्री को समेत केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मध्य एथरे जोग देथिले। दुई केंद्र मंत्री विभिन्न स्टॉल बुली देखिबा सह लोकों सह कथा मध्य होइथिले। एही अवसर रे केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिथिले, विश्व रे जेते गुडीए भाषा रहिछि ता मनुष्य तयारी करिछि, किंतु एकमात्र भाषा ओडिया जहां महाप्रभु द्वारा सृष्टि होइछि। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्य कहिछन्ति, ओडिशार महापुरुष जो मार्गदर्शन देइछन्ति सेही आदर्श को गरीब लोकों कल्याण रे निजको उत्सर्ग करिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। ओडिया तत्वर प्रणाली आजि भारत सरकारर शासनर प्रणाली होइछि। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में देश की कामकाज संभाले, उन्होंने इसी शर्त पे संभालना शुरू किया, मेरे सरकार सबके लिए रहेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी के लिए प्रयास। मैं अगर इस 10 साल के उपरांत उसकी समीक्षा करता हूं, शायद हमारी राज्य उड़ीसा बदे एकमात्र राज्य हब, ये मूल मंत्र देशरे सबुठू बड़ लाभार्थी उन्नयन विकास जदि मोदी जी का शासन प्रणाली रे की है ची, ता ना हला आम प्रिय राज्य उड़ीसा। भाषा अति मीठा भाषा, रसगुल्ला आउ छेनापोड़ा को तो दुनिया सारा मने रखंती, किंतु उड़िया भाषार गोटे गुण आज आपण रखी। विश्व रे जत्ते जहाँ भाषा मनीष तैयारी करी, केवल गोटाए भाषा ओडिया भाषा जहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ
ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସବୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷା ହିସାବରେ ସବୁଦିନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଣାଯାଏ। ନଭେମ୍ବର 22-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024। ଶୁକ୍ରବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଲୋକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ଆସର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ଏହି ପର୍ବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।